करते हैं अभी हम। के लिए मैंने मक्के का आटा लिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा सावधान से नमक डालेंगे और जैसे हम गेहूं का आटा जैसे उसनते हैं वैसे ही इसको भी उसनेंगे थोड़ा सा। ये मैंने दो रोटी के हिसाब से मैंने आटा लिया है, ये आसपास दो कटोरी के इतना आसपास आटा होगा। ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के हमें आटा उसनने का, इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते डालते इसको हम अच्छे से गूंदेंगे और हाथ की जो हथेली होती है नीचे की उससे ऐसे मस लेंगे। ऐसे आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ, ऐसे ही आपको भी करना है। इससे मक्की की रोटी बहुत अच्छी बनती है, नरम बनती है। उसको 5 से 10 मिनट तक हम ऐसे ही करेंगे इसको अच्छे से। हमारा मक्की का आटे का डो रेडी है, अब हम इसकी रोटी बना देंगे। थोड़ा सा लोया लेंगे, ऐसे एक प्लास्टिक की सीट के ऊपर करने का है आपको। आप देख सकते हो एक हाथ मेरा नीचे साइड में उसको रोटी को अच्छे से घुमा रहा है और दूसरे हाथ से मैं उसको धपधप कर रही हूँ। ऐसे मैं एक और दूसरी रोटी भी बना दूंगी। ये मैं डबल रोटी एक साथ बनाने वाली हूँ। हम इस पे घी लगाएंगे और हमारी जो दूसरी रोटी है वो इस पे रख देंगे और इसको वापस अच्छे से बड़ी इस बना देंगे इसको। तब तक मैंने अपना तवा भी गरम करने रख दिए। अभी हमारी जो मक्की की रोटी वो तवे पे डाल देंगे। धीरे से डालने का इसको कभी भी। इसको 2 मिनट के बाद हम इसको पलटी कर देंगे, थोड़ा साइड साइड से सेकते रहेंगे इसको और इसके बाद हमारी मक्की की रोटी रेडी है। गैस चालू करेंगे और उसमें ये गवर फली डाल देंगे। अब उसमें पानी भी डाल देंगे थोड़ा सा। मैं 3 से 4 कटोरी पानी ले रही हूँ। 1 सीटी फुल पे ले लेंगे और 3 सीटी स्लो पे ले लेंगे, तब हमारी गवारफली पे अच्छे से हो जाएगी। चेक कर लेंगे कि हमारी गवारफली हुई या नहीं हुई। ऐसे हाथ से दबा के एक बार चेक कर लेंगे, आप देख सकते हो ऐसे हमारी गवारफली। इसको हम किसी एक बर्तन में निकाल देंगे, खाली कर देंगे। मैंने गवारफली एक बर्तन में निकाल दी है, इसको भी हम चम्मच से मसल देंगे अच्छे से। आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ, वैसे आपको भी करना है। थोड़ा थोड़ा करना ही है, ज्यादा मत कर लेना। अब देखो तो मैंने कैसे किया वैसे ही आपको भी करना है। अब इसका मसाले के लिए इसको कैसे तड़का देना वो देख लेते हैं। अभी हम 2 से 3 चम्मच हम तेल रखेंगे। जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक हम इसका मसाला रेडी कर देते हैं। मैं इसमें 2 से 3 चम्मच मिर्ची ले रही हूँ। आप जैसा स्पाइसी खाते हो उसके हिसाब से आप ले सकते हो। थोड़ा हल्दी डालेंगे और स्वाद अनुसार इसमें नमक। हमारा तेल गरम हो गया, अब इसमें जीरा डाल देंगे। मैंने 20 से 25 लहसुन की कलियां मैंने अच्छे से कूट के हमदस्ती इसमें डाल रही हूँ अभी मैं। और इसमें लहसुन ज्यादा चाहिए रहती है, बहुत अच्छी लगती है इसमें लहसुन। हमारी लहसुन थोड़ी सी ब्राउन हो जानी चाहिए अच्छे से, उसके बाद हमने जो मसाला बनाया था वो इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हो लहसुन हो गई है, अब हम इसमें मसाला डाल देंगे हमारा और थोड़ा सा पानी। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे तो हमारा तेल अच्छे से छूटने तो करेंगे इसको हम। देख सकते हो कि हमारा तेल अच्छे से छूटने लग गया है। अब हमारी वो गवारफली इसमें डाल देंगे, हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अच्छे से तो हमारा बॉईल ना आ जाए और हमारी गवारफली रेडी है। ये मैंने 4 से 5 जन के लिए मैंने बनाया है, ये स्पेशली मक्की की रोटी के साथ खाई जाती है। हमारा बॉईल आने के बाद हमारी गवारफली की सब्जी मक्की की रोटी के साथ रेडी है खाने के लिए।